नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना केडी यादव आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम डोर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। अब देखिए भी हम लोग जो कर रहे थे वो कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है। रीजनिंग के टॉपिक के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यानी दिशा और दूरी। ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा था जिसका पार्ट नंबर एक हम लोगों ने कर लिया है। अगर किसी ने अब तक पार्ट नंबर एक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहां से उसको देख सकते हो। अब अगर आपको मैथ के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, साइंस, राजस्थान जीके अगर वगैरह सबके अंदर आपको दिक्कत आ रही है या आपको कोई स्पेशल टॉपिक की वीडियो चाहिए, और बाकी हमारी सब वीडियो अपलोड हो चुकी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक पे या स्पेशल सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको उस स्पेशल टॉपिक की वीडियो आपको पर्सनली मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए भी पार्ट नंबर एक जो हमने किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, उसमें हम लोगों ने किया था नॉर्मल सा किया था हमने कि डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है, सब डायरेक्शन कितनी होती है, एंगल भी किए थे हम लोगों ने कि कौन से एंगल पे कितने दिशा तय होती है। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 45 डिग्री पे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे, 90 डिग्री में लेफ्ट और राइट चलेंगे। नेक्स्ट हमने किया था 180 डिग्री पे एंटी डायरेक्शन चलेंगे। नेक्स्ट हमने किया था 360 पे या तो सेम डायरेक्शन में चलेंगे। ये सब लोग हमने पार्ट नंबर एक में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब पार्ट नंबर दो डिस्कस करेंगे इसके बाद का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद ये हमने पिछले पार्ट में किया था भाई। अब जो पार्ट नंबर दो आ रहा था हमारा, अब आज का जो पार्ट नंबर दो है आपका, उसके अंदर जो सेम पिच वाला था वो थोड़ा रिकैप कर देता हूं मैं। उसके अंदर हम लोगों ने लास्ट में किया था सीधी दूरी ज्ञात करना, सीधी दूरी ज्ञात करना ये हम कर रहे थे। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूं आपको कि सीधी दूरी होती क्या है और कैसे इसका यूज करते हैं। अब सीधी दूरी का मतलब होता है, अब मान लीजिए मैं पहले उत्तर की ओर गया, उसके बाद मैं पूर्व की ओर गया। पहले कहां पे गया? उत्तर दिशा में। उसके बाद मैं कहां पे गया? पूर्व दिशा में। फर्स्ट नॉर्थ, सेकंड ईस्ट। अब आपको फाइंड करना है कि ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये उसका है फिनिशिंग पॉइंट, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट, यानी ये उसकी दूरी याद करनी है आपको, जो मैंने आपको डॉट डॉट से शो हो रही है, ये क्या करनी है आपको, दूरी याद करनी थी। इसके लिए आपको मैंने बहुत ही मस्त बढ़िया वाली ट्रिक बताई थी, बिल्कुल इजी ट्रिक, कुछ भी करना नहीं होता, लेकिन रूल ये कहता है जहां पे सीधी दूरी फाइंड करोगे वहां पे आपको एक परमे लगानी पड़ती है जिसका नाम होता है पाइथागोरस परमे, ये लगती है, ठीक है। यानी जहां पर भी सीधी दूरी याद करोगे वहां पे क्या लगेगा, हमेशा पाइथागोरस परमे लगेगा। और पाइथागोरस परमे होता क्या है, पाइथागोरस परमे होता है जी कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस परमे होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, कर्ण जो होता है वो होता है सबसे लंबी भुजा, और जो आधार और लंब जो होते हैं वो जो बाकी बच गई वो भुजा क्या होती है, आधार और लंब होते हैं। अब गौर करने वाली बात ये है भी, कर्ण जो होता है वो कौन सा होता है, जो आपके सामने 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, गौर करना मेरी बात पे, जहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके जस्ट सामने वाली भुजा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और ये होती है सबसे लंबी भुजा। ये क्या होती है, सबसे लंबी भुजा होती है, याद रखना भी, सबसे लंबी भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। और जो कर्ण की वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है वही क्या कहलाती है, सीधी दूरी कहलाती है। अब आइए इसके बाद करते हैं। अब मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके बाद अगर आप विचार करते हैं ट्रिक के ऊपर, देखिए वो ट्रिक क्या है अपनी, वो ट्रिक थी अपनी, ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना भी, ट्रिक में आपको तीन का पाड़ा, चार का पाड़ा और पांच का पाड़ा, यानी थ्री की टेबल, फोर की टेबल और फाइव की टेबल, ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। कैसे करोगे, करना कैसे, तीन चार और पांच की टेबल ये आपको बतानी है कि ये जो होती है तीन की टेबल जो होती है इसको आप लंबी मान सकते हो और आधार भी मान सकते हो। क्या कर सकते हो, तीन की टेबल को लंबी मान सकते हो, आधार भी मान सकते हो। अब कंडीशन यहां पे काम करेगी आपकी, अगर आप इसको मानोगे लंब तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमेशा। अगर आप तीन को लंब मानोगे तो चार क्या हो जाएगा आपका,
आधार हो जाएगा। अगर आप तीन को आधार मानोगे तो चार क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, ठीक है। अब जो बच गई वो कौन होगी हमेशा कर्ण होगी, बच गई वो क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। कर्ण का मतलब सीधी दूरी, कर्ण का मतलब क्या हो जाएगी वो आपकी सीधी दूरी हो जाएगी। अब मेन बात है गौर करने वाली, देखिए अब मैं से निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से याद कर लेते हैं बाकी लिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू, प्रूव करके देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर, यही होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर याद करेंगे तीन की स्क्वायर होती है 9 और चार की स्क्वायर होती है 16। ये तो बिल्कुल छोटे वर्ड है भाई तीन और चार। अब गौर करने वाली बात है अगर आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए कोई लार्जेस्ट नंबर आ जाए, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर का मतलब कि यहाँ पे आ गए 35, यहाँ पे आ गए 95, यहाँ पे आ गए 105, यहाँ पे आ गए 175, मतलब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए उसके आपको वर्ग करना है और वर्गमूल करना है, घन करना है घनमूल करना है, ठीक है। वर्ग वर्गमूल घन और घनमूल चार टाइप, क्या क्या बोला मैंने, एक तो बोला मैंने स्क्वेयर, एक बोला क्यूब, एक बोला मैंने स्क्वेयर रूट और एक बोला मैंने क्यूब रूट, ये चार बोले मैंने स्क्वेयर क्यूब स्क्वेयर रूट और क्यूब रूट। अगर आपको ये फाइंड करने हैं, अगर आपको बहुत ही फास्ट करने हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक बात बताता हूं आपको मैं, अगर आप गुणा करना चाहते हैं बहुत ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई फास्ट मल्टीप्लाई, अगर आप बैंकिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर क्या होता है कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत ही फास्ट चाहिए अपने को, तो उसके अंदर भी आपको मल्टीप्लाई की जो वीडियो है वो भी हमारी अपलोड हो चुकी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सब एग्जाम के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए, बैंकिंग एग्जाम के लिए, एसएससी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए सिंप्लीफिकेशन टॉपिक सबसे बेस्ट है। अभी जस्ट आरआरबी बैंक की वैकेंसी आने वाली है और जम्मू एंड कश्मीर बैंक का फॉर्म आए हुए हैं, अगर कोई बैंक की तैयारी कर रहा है तो वो जम्मू एंड कश्मीर का फॉर्म फिल करें और उसके अंदर जो मैथ का पोर्शन आएगा उसमें सिंप्लीफिकेशन आता है कम से कम 10 नंबर का, कम से कम 10 नंबर का। तो सिंप्लीफिकेशन को ज्ञात करना यानी हल करना सॉल्व करना, इसकी वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है स्पेशल बैंक वालों के लिए, इतना फर्स्ट मल्टीप्लाई इतना फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन आपने यूट्यूब पे कहीं पे नहीं देखा होगा, वो आपको वीडियो मिल जाएगी और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड है आपको इसके अंदर आपको ये कमेंट भी करना है कि आपको इसमें बेनिफिट हुआ है या नहीं है, पूरी की पूरी यूट्यूब के अंदर सबसे बेस्ट वीडियो है सिंप्लीफिकेशन की, आप इसको देखना अच्छे से समझना इसके बारे में कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, तो हमें कमेंट जरूर करना और हमें इंस्टाग्राम पे इसके बारे में मैसेज जरूर करना आप, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं इसको, 9 के और 16 का टोटल कितना हो गया 25, 9 का और 16 कितना हो गया 25। अब ज्ञात क्या करना अपने को, कर्ण स्क्वायर मान आ गया 25, पहले अपने को चाहिए कर्ण ओनली, हमें क्या चाहिए कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर नहीं चाहिए, तो जो मान आएगा वो आएगा अंडर रूट के अंदर 25, क्यों स्क्वायर इस साइड क्या हो जाता है अंडर रूट हो जाता है, तो अंडर रूट के अंदर जो 25 होता है उसका मान होता है जी 5, कितना होता है 5, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 5 ही बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 5 बोल रहे हैं, तो जो कर्ण का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा वो आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए इसके बाद 3, 4 और 5 का जो टेबल हमारी वो बिल्कुल फिट बैठ रही है, एक दो चीजें और होती है एक्स्ट्रा उसको मैं करवा देता हूं आपको, वो बता देता हूं आपको, जैसे मैं एक्स्ट्रा क्या होता है अपना एक्स्ट्रा आपको याद रखना है, एक होता है 9, 40, 41, ठीक है 9, 40 और 41। अगर ये लंबा आधार है तो ये आधार लंबा हो गया, ये हमेशा क्या रहेगा कर्ण रहेगा, ठीक है। एक होता है 5, 12, 13, 5, 12 और 13, क्यों 5 की स्क्वायर 25, 12 की 144, तो टोटल कितना हो जाएगा 169 और 169 किसका होता है 13 का होता है, आई बात समझ में। अब देखिए हम करते हैं 5-4 क्वेश्चन इसके ऊपर, इसका जो तरीका था हमने पूरा का पूरा पार्ट नंबर 1 में कर चुके हैं और पार्ट नंबर 1 का जो वीडियो आपको उसका लिंक आपको कहां मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हो, अच्छे से देखना हर चीज आपकी वहां पे क्लियर होगी। और जो वीडियो आप हमारे चैनल के देखते हो, क्योंकि जो हमारा स्टाफ है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट सिलेक्टेड स्टाफ है, ठीक है, हम लोग इस गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जो हम जो क्वेश्चन करवाएंगे वो डेफिनेटली ही एग्जाम में 100% आएंगे, क्यों, क्योंकि जो टीचर सिलेक्टेड होता है वो वही चीज करवा सकता है, ठीक है। जो हमारे दिनेश सर हैं सीपीएसआई सिलेक्टेड हैं और सीपीएसआई के रूप में बैच चल रहा है हमारा मैथ का, जो मैथ की क्लास है डेली रेगुलर आ रही है हमारी, अभी जो जस्ट आ रही है वो परसेंटेज की एक क्लास आई है अब तक, और परसेंटेज की एक क्लास के अंदर सर ने आपको बहुत अच्छे से करवाया है परसेंटेज को, उसको देखना आप अच्छे से, को
कोई डाउट आता है तो कमेंट करो, सर आपके क्वेश्चन के डाउट देंगे, 100% डाउट देंगे आपके, ठीक है। तो गौर करने वाली बात यही है कि आप जितना हो सके उसको शेयर करो, दोस्तों को बताओ कि एसएससी सीपीयूएसआई का जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिटेल पूरी देश के हम उनको देखो आप क्या सिलेबस है, क्या क्वेश्चन आते हैं, और उन सर से भी आप कंसल्ट करो। सर के कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप के अंदर आपको मिल जाएंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज जरूर करो, मैसेज आने के बाद हम आपको सर से कॉन्टेक्ट डायरेक्ट करवा देंगे, ठीक है। तो कोई भी डाउट आता है तो मैं इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद करते हैं, अब 5-4 क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर भी, देखना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसके अंदर। आप मैंने बोल दिया कि एक जो व्यक्ति है वो जाता है 18 किलोमीटर दक्षिण में, एक व्यक्ति 18 किलोमीटर कहां जाता है, दक्षिण में जाता है, उसके बाद वो जाता है पूर्व में, उसके बाद कहां जाता है, पूर्व में जाता है कितना किलोमीटर, 24 किलोमीटर, कितना जाता है, 24 किलोमीटर। अब आपको बताना है उसकी प्रारंभिक बिंदु से एंड बिंदु तक सीधी दूरी, स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक सीधी दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए एक की वैल्यू आ गई 18 किलोमीटर, एक की वैल्यू आ गई 24 किलोमीटर, ठीक है। आपको लंब भी दे दिया, आधार भी दे दिया, फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। अगर आपने अच्छे से 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा और 5 का पढ़ा, सीख रखा है, कोई डाउट नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब देखिए भी ये आता है 18 और ये है 24, इसमें कुछ नहीं करना, क्यों नहीं करना, रीजन क्या, कि हमें तो डायरेक्ट पता है। दोनों तरीके से करते हैं, आप पहले फॉर्मूले से करते हैं उसके बाद डायरेक्ट करते हैं। करंट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है माना 18 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 24 का स्क्वायर, ठीक है। 18 की जो स्क्वायर होती है वो होती है 324, ठीक है, और 24 की जो होती है वो होती है 576, ठीक है। टोटल कितना 6 और 4 10, 7 और 2 9 1, 10 3 और 5 8 1, 9 मान कितना आ गया, 900 मान कितना आ गया, 900। ये हमारी क्या हो गई, 3 9 की स्क्वायर कर दी हम लोगों ने। अब ये मान जो हमारा आया है वो आया जी करंट स्क्वायर का, फाइंड क्या करना है अपने को, करंट का फाइंड क्या करना है, करंट। अब करंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 900, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 900, 900 का जो अंडर रूट होता है वो होता है जी 30। आपको मैंने पहले बताया था, अगर आपको स्क्वायर और क्यूब सारे याद करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख लेना। इतना सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि हम लोग सारे कुछ कर पाएंगे, टाइम में कर देंगे, जो एग्जाम होता है उसके अंदर इतना टाइम नहीं होता, भी एग्जाम हिसाब आपको टाइम देता है बहुत ही कम। सपोज दैट मान लेते हैं आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के अंदर 60 मिनट होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के अंदर 20 मिनट होती है, 35 क्वेश्चन होते हैं। अब आप मेरे को बता दो कम से कम एक क्वेश्चन कितना टाइम मिल रहा है आपको, 20 मिनट होती है, 35 क्वेश्चन होते हैं, आपको राउंड फिगर माने तो 1.5 मिनट मिल रहा है, और 1.5 मिनट भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि 20 मिनट में अगर दुगुना करें तो 40 होते हैं, दुगुने से कम मतलब 1.5 मिनट मैक्सिमम मिल रहा है आपको, तो आप 1.5 मिनट में इतना कर पाओगे, लगता है आपको, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते। क्या करना है, इजी करना है, शॉर्ट करना है, सीधा करेंगे ना, ये क्या 18 कितना होता है, 3 6 18, कितना होता है 3 6 18, ये क्या होता है 4 6 24, क्या होता है 4 6 24। आओ फाइंड क्या करेंगे, पास के पढ़ेंगे ग्रुप में, यहाँ पे क्या हो रहा है 6 से मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है 6 से मल्टीप्लाई, आप भी क्या कर दो 5 6 30, 5 6 30, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। क्या किया हम लोगों ने, कुछ नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि इतना लंबा करने की जरूरत भी नहीं है, अभी क्यों नहीं है जरूरत, जब हमारे पास ट्रिक मौजूद है तो हम बड़ा क्यों करें, हमारे पास जब क्वेश्चन को 10 सेकंड हम लोग निकाल सकते हैं तो हम लोग बड़ा क्यों करें। आई बात समझ में, क्या करोगे शॉर्ट एंड स्वीट चलोगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके अंदर एक व्यक्ति पहले कहां जाता है, दक्षिण में जाता है, उसके बाद कहां जाता है, वो पश्चिम में जाता है, ठीक है। पहले दक्षिण में जाता है, उसके बाद पश्चिम में, फर्स्ट ऑफ ऑल जाता है वो साउथ में, और देन जाता है वो वेस्ट में। ध्यान से सुना मेरी बात, अब यहां पे उसने बोल दिया जाता है 27 किलोमीटर, ठीक है, और ये जाता है 36 किलोमीटर। अब दिक्कत कहां पे आ गई, दिक्कत आ गई सर 36 का वर्ग नहीं पता, और आपको फाइंड करना है कि यहां से लेकर यहां तक इसकी
चिन्ह दूरी, यहां से लेकर यहां तक चिन्ह दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, पहले गया 27 किलोमीटर, उसके बाद गया 36 किलोमीटर। अब मुझे पता है कई बच्चों को इसका वर्ग नहीं पता, कई बच्चों को इसका वर्ग भी नहीं पता, 36 का कितना होता है, 27 का कितना होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, वर्ग निकालेंगे नहीं, क्यों, डायरेक्ट पता नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना भी, इसको और इसको दोनों को तीन के रूप में कंपेरिजन करना है हमने। ये होता है अभी 4 × 36, ये होता है अभी 3 × 27, ये होता है ना 3 × 27 4 × 36। अब बच्चों कई बार दिक्कत आती है कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये 3 के पाड़े से जा रहा है या 4 के पाड़े से जा रहा है। ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, काफी आती दिक्कत है, ये दिक्कत आती है बच्चों को कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये 3 के पाड़े में आ रहा है और ये 4 के पाड़े में आ रहा है। ठीक है, अब गौर करने की बात कहां पे है, अब आपको यहां पता है देखना, 36 के अंदर 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग भी जाता है। 36 में क्या होता है, 3 का भाग भी जाता है और 4 का भाग जाता है। तो इसको मैं लिखता हूं 3 को 12 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया मैंने, पहले लिखा मैंने 4 को 9 से और मैंने लिख दिया 3 को 12 से। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया, अगर आप इसको 3 के रूप में फाइंड करोगे तो ये क्या होना चाहिए, 4 के रूप में होना चाहिए। अगर इसको आप 3 के रूप में फाइंड करोगे तो ये क्या होना चाहिए, हमेशा 4 के रूप में होना चाहिए, और ये हमेशा किसके रूप में होगा, 5 के रूप में, ये कहां पे होगा, 5 के रूप में। तो देखना भाई, इसको मैं एक बार इसको भूल जाऊं, इसको फॉरगेट हो जाऊंगा, ठीक है, बोलना इसको एक बार, मैंने लिख दिया 3 को 12 के रूप में, अब इसको भी क्या लिखेंगे हम लोग, 4 को 12 के रूप में, क्या लिखेंगे, 4 को भी 12 के रूप में। तो 12 तो कितना होता है, 48 होता है, यानी यहां पे कितना दिया उसने, 27 दिए। तो हमें क्या करना होगा, हमें 3 के और 4 का ध्यान से देखना होगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो 3 के साथ है या 4 के साथ है। गौर करना मेरी बात के ऊपर, क्योंकि आपको डायरेक्ट नहीं करना है, कैसे नहीं करना, किसी तरह कर लोगे, ये 3 का 12 है, इसको आपने गौर ही नहीं किया, डायरेक्ट आपने एक देख लिया कि 3 का 12 तो ये 4 का ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो 12 × 60, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 60, जो कि क्या है, गलत उत्तर है, जो कि क्या है, गलत उत्तर है। गौर सुनना कि ये 3 का 12 है तो ये 4 का 12 नहीं बन रहा, ये क्या बन रहा है, 3 का 9 बन रहा है, लेकिन ये क्या बन रहा है, 4 का भी 9 बन रहा है, ये क्या बनेगा, 5 का भी 9 बन जाएगा, तो 5 × 9 होते हैं 45, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, तो आपको उत्तर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। आई बात समझ में, ये था हमारा पार्ट नंबर 1, सीधी दूरी ज्ञात करना। आज का जो रहेगा हमारा पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका, यानी टाइप नंबर 2 करते हैं इसका, वो है व्यक्ति और उसकी परछाई। ध्यान से देखना भी, अब देखो भी इसका करते हैं टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 करते हैं अपना, वो जो है वो है व्यक्ति तथा उसकी परछाई। ध्यान से देखना भी, व्यक्ति तथा उसकी परछाई, क्या होती है परछाई और क्या होता है व्यक्ति। व्यक्ति सबको पता है मेरे ख्याल से, हम लोग क्या है, व्यक्ति तो है। अब देखिए उसकी परछाई के बारे में थोड़ा कंसल्ट करते हैं। ठीक है, अब परछाई के रूप में कंसल्ट करेंगे तो सब व्यक्तियों को पता है, सब स्टूडेंट्स को पता है, आप लोगों को पता है, सबको पता है कि परछाई कब बनती है। परछाई कब बनती है, जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, यानी सूर्य जब डूब गया पूरा रो, उसके बाद तो परछाई बननी नहीं है। क्यों नहीं बननी, कि सूर्य नहीं है, परछाई बनेगी कहां से, फिर तो अपने बल्ब जलाओ, क्या जलाएंगे, बल्ब जलाओ, बल्ब में परछाई बन जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेचुरल का बात कर रहे हैं, वो तो हमारा क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, हम लोग कर रहे हैं नेचुरल के रूप में बात। गौर से सुनना मेरी बात को वहां पर। अब देखिए परछाई 2 टाइम बनती है, एक तो बनती है सूर्योदय के टाइम और एक बनती है सूर्यास्त के टाइम, 2 टाइम परछाई बनती है, एक सूर्योदय के टाइम और एक सूर्यास्त के टाइम। ध्यान से सुनना, ये 2 पॉइंट दिखा रहा हूं आपको मैं, उनको साथ साथ नोट में कर लेना आप, कि जो परछाई बनेगी उसके रूप में क्या होगा, उसके फॉर्मेशन क्या होगी, सब सिस्टम रहेगा उसके अंदर, और आप आंसर कैसे फाइंड करोगे जल्दी से जल्दी। अब देखिए जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य कहां पे उदय होता है, पूर्व में। सूर्य उदय होता है तो कहां पे होता है, पूर्व में होता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कहां पे होता है, वो होता है जी पश्चिम। ठीक है, सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त कहां पे होता है, पश्चिम में होता है। तो याद रखना परछाई हमेशा इसके विपरीत बनती है, यानी कहां पे बनेगी परछाई, पश्चिम में बनेगी, इसकी परछाई कहां पे बनेगी, पूर्व में बनेगी। ठीक है, परछाई हमेशा कहां बनती है, इसके विपरीत बनती है, विपरीत, पूर्व में सूर्योदय हो गया तो परछाई कहां पे बनेगी,
पश्चिम में बनेगी, अब सूर्यास्त हो रहा है तो परछाई कहां पे बनेगी, पूर्व में बनेगी, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। अब एक पॉइंट और कर लेते हैं इसी के साथ साथ, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको दे रहा है लेफ्ट और राइट कहीं पे भी लिख रहा है वो बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल इजी ट्रिक है, ठीक है, कि अगर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है वो लेफ्ट और राइट लिख रहा है कि पश्चिम के अंदर क्या लिख दिया, लेफ्ट लिख दिया या फिर राइट लिख दिया, तो आपका जो आंसर रहेगा वो हमेशा उत्तर और दक्षिण रहेगा भी, आप कुछ भी सोचना उसके बारे में, पश्चिम में क्या आ गया लेफ्ट राइट आ गया, तो आपका हमेशा क्या उत्तर रहेगा, उत्तर और दक्षिण रहेगा जो क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्योंकि हमारे चार ऑप्शन आते हैं एग्जाम के अंदर, चारों में से दो ऑप्शन दो ऑटोमेटिक कट होंगे, तो उत्तर क्या बच जाएगा, उत्तर और दक्षिण में से कोई एक आएगा वो उसको फाइंड कर लेना। अगर क्वेश्चन के अंदर आमने और सामने जिक्र आता है कहीं पे लिखा हुआ आमने और सामने, तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी पूर्व और पश्चिम, क्या रहेगा आपका आंसर, पूर्व और पश्चिम रहेगा। अब इसकी कंप्लीट डिटेल, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल क्या करेंगे हम लोग कल करेंगे पार्ट नंबर 3 के अंदर, तो आज का इतना ही रखते हैं, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और लॉकडाउन का फायदा उठाना भी, तैयारी करो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करो। अब देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, क्वेश्चन में लेफ्ट राइट आए तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तर दक्षिण, आमने सामने आएगा तो पूर्व पश्चिम, पूरा पूरा डिटेल करवा देंगे कल। नेक्स्ट आ रही है अपनी वीडियो 11 बजे आ रही है या फिर 2 बजे आ रही है अपनी वीडियो, वीडियो को जरूर देखना, आपका पूरा का पूरा डाउट हो जाएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन को पढ़ते उत्तर आ जाएगा, ऐसे करवाएंगे, ठीक है। तो आज का इतना ही, जय हिंद जय भारत, वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, ओके दैट्स ऑल।